बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर की टाइप को डिस्कस किया था। इसके अलावा प्रोसेसर्स को, प्रोसेसर को और पैरेलल प्रोसेसर को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं कि डेटा रिप्रेजेंटेशन को, मेमरी को, मेमरी मॉड्यूल को, टाइप्स ऑफ मेमरी को। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डेटा रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो सिर्फ लाइक डिजिटल सिग्नल्स के साथ काम करती है, डिजिटल सिग्नल के साथ वर्क करती है। मतलब कि ऑन या ऑफ, जब जब भी कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को पास होती है, तो जो उसके अंदर लगे सीपीयू के अंदर लगे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ये आपको साइड पे सीपीयू भी नज़र आ रहा होगा, सीपीयू पे जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि हमें किस किस्म की इंस्ट्रक्शन मिली है। अगर तो ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ हो जाता है तो सिग्नल मिलता है 1 0 का। अगर तो ट्रांजिस्टर ऑन रहता है तो सिग्नल मिलता है 1 का। तो कम्बिनेशन ऑफ 0 और 1s के साथ कंप्यूटर जो है वो सीपीयू जो है वो समझता है कि मुझे कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो मिली है। कंप्यूटर जो है वो बाइनरी सिस्टम के साथ वर्क करता है। बाइनरी सिस्टम क्या है? 0 और 1। क्योंकि बाइनरी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ दो ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, जिनको बिट्स कहा जाता है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट यूनिट ऑफ डाटा है, मतलब सबसे छोटा जो यूनिट है डाटा का। और ये जो कंप्यूटर है वो इसको रीड कर सकता है उसके, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी सिस्टम के साथ वर्क करता है। और अगर हम जो बिट्स हैं 8 बिट्स को एक साथ मिला दें तो कलेक्शन ऑफ जो 8 बिट्स है वो बाइट कहलाती है। जैसा कि आजकल हम बात करते हैं कि मैंने जो मेरा इंटरनेट है वो 10 MB का है, तो वो मेगा बाइट भी हो सकता है और मेगा बिट भी हो सकता है। तो इसी तरह जो कलेक्शन ऑफ बिट्स है, 8 बिट्स है, वो क्या कहलाती है? बाइट कहलाती है। और एक बाइट जो है वो 256 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकती है। वो किस तरह? वो इस तरह के जो कम्बिनेशन बन सकते हैं 8 बिट्स के, 10011 जो है वो 256 करेक्टर्स के जो कम्बिनेशंस हैं वो बन सकते हैं। 256 कम्बिनेशंस बन सकते हैं जिसकी वजह से वो 256 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह इसकी में एग्जांपल आप इस तरह लें कि 2 की पावर 8 जो है वो 256 होता है। दो हमारे पास डिजिट्स हैं 0 और 1, उनको हम कम्बिनेशन उसके मुख्तलिफ 256 कम्बिनेशन बनाते हैं, जिसके हर जो कम्बिनेशन बनता है उसका एक डिफरेंट मतलब होता है, जिसको समझ के जो कंप्यूटर है वो अपना वो वर्क परफॉर्म करता है और हमें आउटपुट देता है। डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट करेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ए को रिप्रेजेंट करना है, मतलब मैंने ए प्रेस किया है और कंप्यूटर के पास इंस्ट्रक्शन गई है कि ए जो है वो स्क्रीन के ऊपर या हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसके पे लिखना है, तो वो सबसे पहले ए को डिकोड करेगा, उसको 0 और 1 की शक्ल में डिकोड करके कंप्यूटर को समझाएगा और कंप्यूटर जो है वो उसको हमें आउटपुट दिखा देगा। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट कोडिंग स्कीम यूज़ की गई थी कि कैसे कंप्यूटर को जो है वो समझाया जाए, किस तरह कंप्यूटर को में जो कन्वर्जन है, जो बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करना है वो किस तरह किया जाए। उसके लिए 4 किस्म की हम कोडिंग स्कीम यूज़ करते कुछ स्कीम जो है वो पहले यूज़ करते थे, अब यूज़ नहीं करते, क्योंकि स्टार्ट में जो कंप्यूटर थे उसमें बी सी डी कोड स्कीमिंग जो है वो यूज़ होती थी। फिर उसके बाद DIC कोड जो है वो यूज़ होने लगे, फिर ASCII कोड आया, उसके बाद यूनिकोड जो है वो आजकल ASCII कोड की जगह लेता जा रहा है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं BCD कोड को। BCD कोड अब क्या होता है कि हम सबसे पहले जो कंप्यूटर्स थे उसमें सिर्फ हमने क्या करना होता था कि सिर्फ हमने रिप्रेजेंट करना होता था न्यूमेरिक वैल्यूज़ को। न्यूमेरिक वैल्यूज़ मतलब हमारी जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं, या न्यूमेरिक वैल्यूज़ 0 से लेकर 9 तक, जो हमने डेसिमल हमारे डेसिमल्स हैं 0 से 9 तक, जो 10 डेसिमल हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करना होता था, उन्हीं से प्लस माइनस करना होता था। तो उसके लिए स्कीम जो है वो बनाई गई थी, वो थी कोडिंग स्कीम बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल का मतलब ये था कि जो हमारा 0 है या 9 है तो वो सब क्या होगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा 0 और 1 की शक्ल में। लेकिन किस तरह? उसमें ये था कि जो भी डेसिमल डिजिट होगा वो 4 बाइनरी डिजिट्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह कि अगर जीरो है, 0 को डिकोड करना है बाइनरी के अंदर, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो वो 4 जीरो के इक्वल होगा, 4 बिट्स में इस तरह कन्वर्ट किया जाता है कि उसकी जगह 4 जीरो कंप्यूटर को समझाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1, 2, 4 और 3 क्या है। अब आप देखें कि हमारे पास जो बाइनरी सिस्टम है उसमें कितने डिजिट्स होते हैं, 2।
टू रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन, टू रेज टू पावर वन इज इक्वल टू टू, टू रेज टू पावर टू इज इक्वल टू फोर एंड टू रेज टू पावर थ्री इज इक्वल टू एट। तो हमने जो जितने भी डेसिमल हैं उनको फोर बिट्स के अंदर इनकोड करना है, मतलब कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो इसका कम्बिनेशन कुछ इस तरह समझें कि अगर हमने ज़ीरो को करना है, इसमें से कुछ भी कम्बिनेशन हमारे पास नहीं बनता तो सारे क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। तो और दूसरा ये कि अगर हमने वन को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ वन की जगह, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ट्रांजिस्टर होता तो वो यहाँ पे क्या दिखाता, ऑन दिखाता, ऑन होता, तो ऑन का मतलब क्या है, वन, तो वन की जगह वन आ गया। उसके बाद टू को रिप्रेजेंट करना है, टू टू वाला जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन हुआ तो वहाँ पे क्या आ गया, वन, और इसका कोड क्या बन गया, 0010। और उसके बाद हमने जब थ्री को रिप्रेजेंट करना है तो वो टू वाला भी ऑन हुआ ट्रांजिस्टर और वन वाला भी ट्रांजिस्टर ऑन हुआ, जिससे क्या हमें पता लगा कि कंप्यूटर को कि थ्री जो है वो प्रेस हुआ है, ये थ्री की इनपुट आई है। इसको देखें, टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, तो टू और वन की जगह जो भी ट्रांजिस्टर होगा वो ऑन हो गया। इसी तरह फोर, फोर जो है फोर वाली जगह जो ट्रांजिस्टर होगा वो ऑन हो गया, बाकी जो है वो ऑफ हो गया। इसी तरह फाइव, फाइव में फोर प्लस वन, फोर और वन, इस तरह हमारे पास जो है वो ट्रांजिस्टर ऑन हो गया और कंप्यूटर समझ गया कि मुझे जो इनपुट दी जा रही है वो क्या है, फाइव। इसी तरह ये अर्ली कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता था, 0 से लेकर 15 जो है वो कम्बिनेशन, 15 तक हमारे पास ये यूज़ होता था, मतलब कि 0 से लेकर 15 डिजिट्स को ये रिप्रेजेंट करता था। अभी आप सोच रहे होंगे कि फिर यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक क्यों डिजिट्स लिखे गए हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो 0 से बाद जब डिजिट लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, 1 और 0, तो उसको अलहदा अलहदा ही रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब 1 को अलहदा और 0 को अलहदा। डिजिट जो हमारे पास डेसीमल्स हैं बेस 10 के, वो सिर्फ 10 ही हैं, वो 0 से लेकर 9 तक हैं, उसके बाद उनके कम्बिनेशन बनते हैं। तो इसलिए जो अथेंटिक BCD कोड्स हैं वो 0 से लेकर 9 तक हैं, उसके बाद जब 10 को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है तो 0 को अलहदा और 1 को अलहदा किया जाता है, वो फिर 8 बिट का कोड बन जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये EBCDIC कोड का फुल फॉर्म है। ये 8 बिट का कोड है जिसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और हर ग्रुप 4 बिट का होता है। इसी तरह जो हमारे पास कम्बिनेशन बनता है वो आठ बिट्स का होता है, लेकिन क्या है कि उसको डिवाइड किया जाता है 2 ग्रुप्स के अंदर। उसमें 4 बिट जो हैं वो जोन को रिप्रेजेंट करती हैं और जो अगर नेक्स्ट 4 बिट्स होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं डिजिट को। तो जो हर ग्रुप होता है, मतलब एक जो 4 बिट्स का एक ग्रुप होता है वो 1 हेक्साडेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। अब आप सोचें कि हेक्साडेसिमल डिजिट कौन सा होता है। हेक्साडेसिमल डिजिट वो होते हैं जो बेस 10 को नहीं, बेस 16 को यूज़ करते हैं। मतलब उसमें आपके पास 9 होगा, 9 के बाद A B C D E और F तक जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं। हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं या कोड हैं वो इसलिए यूज़ किए जाते थे जो क्योंकि प्रोग्रामर्स जो हैं उनके लिए जब वो देखते थे कि बाइनरी कोड है और बहुत बड़े बाइनरी कोड्स हैं तो उनको किस तरह समझा जाए, उनको किस तरह शॉर्ट किया जाए, तो उन्होंने बाइनरी कोड को हेक्साडेसिमल कोड में कन्वर्ट किया और उसको अपने समझने के लिए आसान बना लिया। इसी तरह इसको डेवलप किया था IBM ने, IBM कंप्यूटर्स ने, क्योंकि वो अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में इस स्कीम को यूज़ करते थे और ये रिप्रेजेंट करता है 250 करेक्टर्स को। अब हम बात करते हैं कि ये किस तरह होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ब्लैंक खाली जगह छोड़ी है तो उसके लिए क्या होगा कि कंप्यूटर को पहले वो जो फर्स्ट ब्लॉक होगा, फर्स्ट ग्रुप होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा कि जोन कौन सा है, और अगला जो है वो डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। कंप्यूटर के पास जो इनपुट जाएगी वो जाएगी 0100000। देन अगर हमने ए प्रेस किया है, ए प्रेस किया क्या, स्मॉल ए प्रेस किया है, तो कंप्यूटर के पास इनपुट जाएगी 1000।
0001, इसका मतलब ये है, अब पहले अब देखें कि जोन जो है, जो फर्स्ट ग्रुप है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जोन को, और उससे अगला जो ग्रुप है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिजिट को, जिससे कंप्यूटर समझेगा और एक की आउटपुट जो है वो दिखा देगा स्क्रीन के ऊपर। तो अब देखें कि सबसे जोन किस लिए यूज़ होता है। जोन बताता है कि कौन सा कैटेगरी का कौन सा करेक्टर है, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल पहले तो हम सिर्फ यही देख रहे थे कि हमारे पास जो डिजिट्स थे, मतलब डेसिमल डिजिट्स थे, सिर्फ हम उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने कंप्यूटर को बताना है कि नहीं, डिजिट नहीं आया, अब प्रेस जो है वो ए हुआ है। तो जोन बताता है कि कौन सी चीज़ प्रेस हुई है, मतलब अल्फ़ाबेट्स प्रेस हुए हैं, अल्फ़ाबेट अगर प्रेस हुए हैं तो वो कैपिटल अल्फ़ाबेट प्रेस हुए हैं या स्मॉल अल्फ़ाबेट प्रेस हुए हैं, या जो हमारे 0, 1, 2, 3, 4 डिजिट्स हैं वो प्रेस हुए हैं। तो जोन उसको रिप्रेजेंट करता है और डिजिट समझाता है कि क्या रिप्रेजेंट हुआ है। इसी तरह आप देखेंगे कि जो हमारे हर जो जोन है वो हर 9 डिजिट्स के बाद डिफरेंट हो जाता है, उसके बाद 9 के बाद जो है वो चेंज हो जाता है जो हमारा जोन है। ये देखें, जोन जो है वो चेंज होता है 1 से लेकर A से लेकर I तक जो है वो जोन की जो वैल्यू है वो एक जैसी है, उसके बाद अगले 9 के लिए जोन की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। और ये हमारा हेक्साडेसिमल कोड है जिसमें 99, मतलब 99 तक तो हम यूज़ करते हैं, उसके बाद जो 10 होता है उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद जो 11 होता है उसको B से, 12 को C से, 13 को D से, उसके अलावा 14 को E से, और 15 को F से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। 16 जो 16 बेस हेक्साडेसिमल होता है, मतलब बेस 16 वाली जो काउंटिंग होती है उसमें 0 से लेकर 15 तक डिजिट्स होते हैं, और उसमें 9 तक डिजिट्स को 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और देन A B C D E और F से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। इनके बारे में हम नेक्स्ट हमारा पूरा चैप्टर्स है कि हमने किस तरह कन्वर्ट करना है, बाइनरी सिस्टम्स को क्या, नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी सिस्टम क्या होते हैं, उसके अलावा हेक्साडेसिमल और डेसिमल सिस्टम को हमने पढ़ना है। इसके बाद कोडिंग स्कीम थी हमारे पास आस्की। आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसको आंसी ने पब्लिश किया था 1968 के अंदर, और ये पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ की जाती थी। आप देखेंगे कि जो हमारी EBC DIC कोड था वो मेन फ्रेम में सबसे पहले यूज़ किया गया था, और जो आस्की कोड है वो आंसी ने बनाया था, आंसी ने पब्लिश किया था, और पीसी पर्सनल कंप्यूटर्स जो हमारे हैं, जो आम यूज़ के लिए कंप्यूटर्स थे, उनमें इसको यूज़ किया गया था। ये सबसे पहले ASCII 7 था। ASCII 7 का मतलब ये कि 7-बिट कोड था जो कि 128 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता था। ABC तो ये पूरी रिप्रेजेंट कर देता था, लेकिन क्या था इसके अलावा, ये नल, स्टार्ट ऑफ हेडिंग, स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, एंड ऑफ टेक्स्ट सबको रिप्रेजेंट करता था। जो भी शिफ्ट इन शिफ्ट आउट जो भी हम देते थे इनपुट देते थे और वो कंप्यूटर के अंदर डिकोड हो जाती थी, उसका एक इनकोड था। लेकिन क्या है कि सिर्फ दुनिया में जो वर्किंग है वो सिर्फ अल्फाबेट्स की नहीं है, या हमने कुछ कुछ जो है ग्राफिकल वर्किंग भी है जिसमें हमने रिप्रेजेंट करने होते हैं, कुछ ग्राफिकल करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना होता है, उसके लिए हमें मजीद करेक्टर्स की ज़रूरत थी। इसलिए फिर जो आस्की है, आस्की ने 8-बिट कोडिंग स्कीम जो है वो यूज़ की और 256 करेक्टर्स को उसने रिप्रेजेंट किया। अब ये देखें, फ़र्क देखें आप कि जो डिफरेंस आता है वो यहाँ पे आता है कि आस्की के अंदर आप फर्स्ट जोन को देखें, जो आस्की के अंदर भी जोन यूज़ होते हैं, जो फर्स्ट 4 बिट्स होती हैं वो जोन की होती हैं, अगर 7-बिट इनकोडिंग स्कीम है आस्की की तो उसमें फर्स्ट 3 बिट जो है वो जोन के रिप्रेजेंट करती हैं। इसके अंदर देखें कि आप फर्स्ट 4 बिट जो है वो जोन को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब कि हमारा जो डिजिट 4 है, मतलब नंबर 4 को जब बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है आस्की कोड स्कीम को यूज़ करते हुए, तो वो कैसे होता है कि सबसे 4 बिट्स जो है वो जोन की होती हैं, उसके अलावा अगली जो है वो डिजिट को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। इसी तरह EBC DIC डिजिट के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर फर्स्ट लास्ट 4 बिट देखें वो, और आस्की कोड की जो लास्ट 4 बिट्स हैं वो दोनों सेम है, क्योंकि वो तो सिर्फ नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और यहाँ पे जो 4 बिट्स हैं पहली, ये रिप्रेजेंट करती हैं कि जोन कौन सा है। तो इसी वजह से इनमें डिफरेंस था।
इसके अलावा जो आस्की है, आस्की कोड है, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी यूज़ किया गया, ग्राफिकल करेक्टर्स के लिए, ग्राफिकल करेक्टर्स जस्ट लाइक इस तरह के करेक्टर्स जो हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये जो, क्योंकि अक्सर अवकात जो हम जब हम स्पेनिश या दूसरी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें कुछ इस तरह के वर्ड्स लिखने पड़ते हैं जिसके आई के ऊपर कैप होता है या स्लैश होता है ई के ऊपर, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो यूज़ किया गया था 8 बिट आस्की कोड। तो और ये जो है आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये एक्सटेंडेड आस्की चार्ट है जो वन, क्योंकि लास्ट वाला है जो है वो 127 करेक्टर्स पे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ये 128 से 250 तक जो है वो 255 तक रिप्रेजेंट करता है। अब आप कहेंगे कि 250 करेक्टर्स तो ना हुए, सो स्टूडेंट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड एंड एट 255, तो ये टोटल जो है वो 256 करेक्टर्स ही हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारी जो मॉडर्न कोडिंग स्कीम है वो है यूनिकोड। यूनिकोड जो है वो 16 बिट कोड है, 16 बिट्स को यूज़ करती है। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 16 65,536 यानी कि 65,536 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक जो बाइनरी कोड है, मतलब 16 बिट कोड है, एक 16 डिजिट्स का जो कोड है वो 65,536 करेक्टर्स को 36 कम्बिनेशंस बना सकता है। ये इसलिए किया गया था कि दुनिया में सिर्फ यूरोपियन लैंग्वेजेस या अमेरिकन जो इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है, वो उसमें तो सिर्फ 26 जो है वो अल्फ़ाबेट्स हैं। इसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ के उसमें अल्फ़ाबेट्स तो सेम है, लेकिन क्या है कि करेक्टर्स के ऊपर थोड़ी मॉडिफिकेशन है। लेकिन कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जैसे कि उर्दू है, उसमें 37 जो है वो अल्फ़ाबेट्स हैं, उसके हरूफ़ तहजी 37 हैं, उसको लिखने के लिए तो हमें ज़्यादा करेक्टर्स की ज़्यादा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ज़्यादा करेक्टर्स की ज़रूरत थी। अब चाइनीज़ है या जब हमारी हिंदी लैंग्वेज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ज़्यादा करेक्टर्स की ज़रूरत थी। तो दुनिया की जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है कि यूनिकोड जो है वो यूज़ किया गया, और ये आजकल आस्की को रिप्लेस करता जा रहा है। हमारी जो डाटा रिप्रेजेंटेशन का जो टॉपिक था वो क्लोज हुआ, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ मेमोरी, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स के अंदर कुछ कन्फ्यूजन होगी स्टूडेंट्स को कि ये भी के रजिस्टर्स के अंदर जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी होता है, मेमोरी के अंदर ब्लॉक क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, मेमोरी एड्रेसेस क्या होते हैं, तो उसके आंसर आपको इस टॉपिक में मिलेंगे। क्योंकि मेमोरी जो है वो कंप्यूटर का वो एरिया है जहाँ पे कंप्यूटर जो है वो डाटा स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है, जिसको प्रोसेसर फैच करता है, और प्रोसेसर के रिजल्ट्स भी वहाँ स्टोर होते हैं और वहाँ से फैच भी होते हैं। तो ये जो हम मेमोरी की बात कर रहे हैं, ये हम प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, वो मेमोरी जो रैम या रोम पे कंसिस्ट करती है। जो हमारी हार्ड डिस्क है वो सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि हम डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए, हमारे अपने डाटा को, जो मेन मेमोरी है या प्राइमरी मेमोरी है जिसमें रैम और रोम आ जाती हैं, वो हमारे सिस्टम डाटा को स्टोर करती है। रोम जो है हमारे सिस्टम डाटा को स्टोर करती है, वो बताती है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ है और जो बाकी पार्ट्स हैं उनके साथ किस तरह इंटरेक्ट करना है सीपीयू ने, वो तो वो बताती है। उसके अलावा जो हमारी मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में हमारी सारी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, लोड होती हैं, उसके बाद सीपीयू उससे वहाँ से इंफॉर्मेशन जो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है सीपीयू को वो फैच करता है। तो डिस्कस करते हैं मेमोरी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर चिप्स ऑन मदरबोर्ड, क्योंकि ये मदरबोर्ड पे ही लगी होती हैं इसलिए ये एक या एक से ज़्यादा चिप पे मुश्तमिल हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मेमोरीज का स्ट्रक्चर कैसे होता है। मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ सेल ऑफ स्टोरेज लोकेशंस, मतलब कि जो हमारी मेन मेमोरी है, जैसे कि हमारी रैम है, रैम और रोम है, रैम है, रैम के अंदर क्या होगा कि वो उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे, मतलब सेल्स का मतलब समझ लें कि खाने होंगे, उसके हर खाने के अंदर एक बिट जो है वो स्टोर होता है। अब आप देख लें कि थाउजेंड और मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे, उसके अंदर आप बिट स्टोर कर दें, तो इस तरह मेमोरी के अंदर
जो लोकेशंस हैं वो बनती जाती हैं। अब आप देख लें कि थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स में जब बिट स्टोर होंगे तो हम तो कंफ्यूज होंगे कि कैसे हमने कौन से सीपीयू जो है वो कैसे उसको पता चलेगा कि मैंने कौन सी मेमोरी लेनी है, कौन से जो है वो बिट्स लेने हैं, कौन से बिट्स नहीं लेने हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि लॉजिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है सेल्स को। सेल्स को लॉजिकली किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है कि 8 8 बिट्स के ग्रुप बना दिए जाते हैं जिसको बाइट कहा जाता है। ये एमसीक्यूज भी बन सकता है कि जो हमारे बाइट होता है वो कितने बिट्स पे मुश्तमिल होता है, तो वो 8 बिट पे कंसिस्ट करता है। 8 बिट्स कौन सी, 0 1 1 0 8 सेल्स भी कह सकते हैं और 8 बिट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हर सेल के अंदर एक बिट जो है वो स्टोर होती है। ईच सेल कैन स्टोर अ बिट। अब 1 बिट कैन बी 1 0 और 1 0 और 1 में से वो कुछ भी हो सकती है। तो हर जो बाइट होता है, बाइट का एक हर बाइट को एक नंबर दिया जाता है ताकि जो सीपीयू है वो समझ सके कि उससे उसे ज़्यादा आसानी उसे आसानी हो कि उसे पता लगे कि वो कौन से बाइट को जाके उसने एक्सेस करना है, कौन से बाइट को एक्सेस नहीं करना। वरना तो वो पहले सारे बाइट सब कुछ चेक करता जाएगा, फिर उसके बाद उसको जब असली इंफॉर्मेशन पे जाएगा तब तक तो टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो लग चुका होगा, क्योंकि जो मशीन साइकिल है वो 1 सेकंड का मिलियन बिलियन हिस्सा होता है। उस हिस्से के अंदर, 1 सेकंड के मिलियन या बिलियन हिस्से के अंदर जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है। इसी तरह जो बाइट है, हर बाइट को एक एड्रेस दिया जाता है जिसको मेमोरी एड्रेस भी कहा जाता है। और फिर हम बात करते हैं कि सेगमेंट या ब्लॉक क्या होता है। जब बहुत सारे बिट्स थे, बिट्स जो है वो 8 8 के कलेक्शन बना के हमने बाइट बना दिया। जब बाइट बन गया तो मुख्तलिफ बाइट्स को मिला के हमने एक सेगमेंट बनाया और उस सेगमेंट को हमने नाम दे दिया, ये हमारा डाटा सेगमेंट है, ये हमारा कोड सेगमेंट है। उसके अंदर सिर्फ जो कोड की इंस्ट्रक्शन है वही स्टोर हुई और ब्लॉक बना दिया, ये सेगमेंट बना दिया। और जो हमारा दूसरी एक तो डाटा सेगमेंट है, फिर हमारा कोड सेगमेंट है, उसके मुताबिक ही उसमें डाटा स्टोर होता है और सीपीयू के लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है कि वो उसने डाटा सेगमेंट में जाना है या उसने जो है वो जो डाटा सेगमेंट में जाना है या उसने कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच करनी है जो दूसरे सेगमेंट्स हैं उनमें जाना है। तो जो हमारा ब्लॉक है वो ऑलमोस्ट 64 किलोबाइट्स का भी हो सकता है। उसमें 64 किलोबाइट्स का एक लॉजिकली ब्लॉक और सेगमेंट बना दिया जाता है। लॉजिकली का मतलब यह है कि उसको बजरिया प्रोग्रामिंग बनाया जाता है, वरना जो फिजिकली हमारे पास उसकी मेमोरी है, मेन मेमोरी है या रैम है या रोम है, उसमें सिर्फ क्या होते हैं, सेल्स होते हैं जिन जिनके कम्बिनेशन से बिट जिनके अगर 8 8 का कम्बिनेशन बनाया जाए तो वो बाइट बनता है। बाइट के कम्बिनेशन से सेगमेंट बनता है जिसको ब्लॉक भी कहते हैं। और जो सेगमेंट है वो 64 किलोबाइट्स तक मैक्सिमम हो सकता है। सेगमेंट क्या है, लॉजिकल यूनिट ऑफ अ मेमोरी, लॉजिकली बनाए जाते हैं सेगमेंट्स मेमोरी में। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सीपीयू है, सीपीयू डाटा कैसे एक्सेस करता है। सीपीयू कैन एक्सेस एनी बाइट ऑफ मेन मेमोरी, मतलब कि वो मेन मेमोरी में से, ऐसा नहीं कि वो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है कि वो 1 नहीं ले सकता या 2 नहीं ले सकता, वो जिस बाइट को चाहे उसी वक्त एक्सेस कर सकता है। इसी वजह से कि वो किसी भी बाइट को या डिफरेंट बाइट्स को एक ही वक्त में एक्सेस कर लेता है सेम टाइम के अंदर। तो इस रैम को डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। अब वो उसको पता कैसे चलेगा सीपीयू को कि उसने कौन सा बाइट एड्रेस जो है वो लेना है, तो वो सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर है उसमें बाइट का एड्रेस स्टोर होता है जिसको मेमोरी एड्रेस भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो मेमोरी है वो कौन कितने टाइप की होती है। सबके जहन में रैम या रोम आया होगा। तो जो मेमोरी है वो वॉलेटाइल मेमोरी भी हो सकती है और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी हो सकती है। वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो जो अपने कंटेंट्स को मतलब कि जो उसके अंदर स्टोर है मेमोरी के अंदर वो लॉस हो जाता है जैसे ही हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं। वो टर्न ऑफ नहीं कि जो सीपीयू है, सॉरी लैपटॉप है, लैपटॉप में अगर चार्जिंग फुल हो गई तो हमने उसको प्लग उसका निकाल दिया, तो ये टर्न ऑफ नहीं है। बिल्कुल उसको जब हम बंद कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं, तो वो जो रैम है वो अपनी जो मतलब कि उसके अंदर जो जितना भी उसके अंदर कंटेंट होता है वो सारा लॉस कर देती है, सारा इरेज कर देती है। तो उसको वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। जो हमारी रोम होती है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, वो मेमोरी जो
कंटेंट डिलीट नहीं करती, इरेज नहीं करती, चाहे कंप्यूटर को ऑफ भी कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रैम को, क्योंकि रैम है हमारी एग्जांपल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी, और जो रोम है वो है हमारी एग्जांपल ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। रैम क्या है? रैम इज एन रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि उसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि सीपीयू उसमें से जो जब मर्जी चाहे कोई भी बाइट, मतलब कम्बिनेशन ऑफ बाइट्स या इंडिविजुअल बाइट को किसी भी वक्त एक्सेस कर सकता है, तो उसलिए उसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। और इसको मेन मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है, जो हमारा हार्ड डिस्क है उसको सेकेंडरी स्टोरेज कहा जाता है। रैंडम एक्सेस का मतलब ये है कि ईच बाइट इन द रैम कैन बी एक्सेस डायरेक्टली, सीधा डायरेक्टली उसको एक्सेस करता है, क्योंकि सीपीयू को पता होता है कि मैंने कौन सी जो बाइट है वो एक्सेस करना है, क्योंकि उसका एड्रेस जो है वो पहले से ही स्टोर होता है उसके रजिस्टर के पास। अब रजिस्टर जो है वो बताता है कि आपने इस एड्रेस पे जाना है, वो एक्सेस करता है उस डाटा को, एक्सेस करता है और उसके मुताबिक अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। रैम क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, बट टेम्परेरली। अ प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू रैम बिफोर एग्जीक्यूशन, कि कोई भी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट होना है तो वो पहले रैम में लोड होगा, रैम में लोड होने के बाद वो एग्जीक्यूट होगा। जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा तब भी रैम के अंदर उसके रिजल्ट स्टोर होंगे, जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तब भी उसके रिजल्ट पहले रैम में जाएंगे, रैम के बाद जहाँ जिस आउटपुट डिवाइस के पास जाना है वहाँ पे भेज दिया जाएगा। तो हमारी जो रैम होती है, रैम की कितनी टाइप्स होती हैं? रैम की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, डी रैम, एस रैम और एंड एम रैम। तो जो हमारी रैम होती है, आजकल तो लोगों ने ज़्यादातर यही सुना होगा कि जो हमारी पीसी कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसमें 8 GB रैम है। मोस्टली ज़्यादातर लोगों की जो है वो 8 GB रैम होती है, कुछ ज़्यादा अच्छे कंप्यूटर्स हैं तो वो 16 GB तक भी जाते हैं। 16 GB तक इसलिए जाते हैं, वो गेमिंग कंप्यूटर्स होते हैं, उनमें गेमिंग कंप्यूटर्स के अंदर अक्सर आप 16 GB रैम देखेंगे। इसके अलावा जो हैवी वर्किंग के लिए यूज़ होते हैं उसके अंदर क्योंकि जितनी ज़्यादा रैम होगी उतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा अच्छी होगी और उतनी ज़्यादा एप्लीकेशन आप उसके अंदर चला सकते हैं। तो जो हम टाइप की बात करते हैं, डी रैम, डी रैम का मतलब ये है कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो हमारी मोस्टली पीसीज के अंदर यूज़ होती है वो डी रैम ही होती है, डायनामिक मेमोरी होती है। ये इसको करंट रिक्वायर्ड होता है तो ताकि ये अपनी जो स्टेट है उसको बरकरार रखे, अपने अंदर जो जो भी उसके अंदर डाटा है उसको सेव रखे। तो जितनी देर उसको पावर मिलती रहेगी, पावर मिलते ही पावर जैसे ही ख़त्म होगी तो वो अपनी जो उसके अंदर मेमोरी के अंदर स्टोर है सारा प्रोग्राम वो इरेज कर देगी। तो इसके अंदर ये एक्सपेंसिव होती है, ज़्यादातर कंप्यूटर्स में यही यूज़ होती है। और ये अपने प्रोग्राम मतलब कि अपने आप खुद को रिचार्ज करती है और रिफ़्रेश करती है अगेन 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 एंड अगेन, ताकि जो इसके अंदर डाटा है उसको मेंटेन रखे। जब जो रैम होती है वो अपने आप को रिफ़्रेश कर रही होती है तो प्रोसेसर उसमें से डाटा एक्सेस नहीं कर रहा होता। इसका मतलब ये है कि जब आपका कंप्यूटर थोड़ा हैंग होने लगता है तो मैम रैम क्या करता है? रैम जो है वो अपने अंदर जो डाटा होता है उसको रिफ़्रेश कर रहा होता है, उसको अपने आप खुद को रिफ़्रेश कर रहा होता है या रिचार्ज कर रहा होता है। तो अक्सर ऊपर लिखा हुआ आ जाता है जो भी प्रोग्राम चल रहा होता है उसका नाम और नॉट रिस्पॉन्डिंग, मतलब कि अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ तो वो आ जाएगा वर्ड नॉट रिस्पॉन्डिंग, नॉट रिस्पॉन्डिंग पर चला जाता है, क्योंकि रैम के अंदर लोड ज़्यादा हो जाता है और अपनी वो कंटेंट्स है उसको खुद को रिचार्ज और रिफ़्रेश जो है वो कर रहा होता है, इसलिए ये स्लो होती है। उसके बाद टाइप आती है एस रैम। एस रैम जो है उसका मतलब वो एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक से आपके माइंड में क्लिक हुआ होगा कि इसमें तो डाटा जो है वो इरेज ही नहीं होता होगा। नहीं, ये डाटा इसमें भी इरेज हो जाता है, लेकिन क्या है कि इसमें डाटा इतनी जल्दी इरेज नहीं होता, ये खुद को इतनी जल्दी रिचार्ज नहीं करती और थोड़ी ज़्यादा फास्टर होती है और एक्सपेंसिव भी होती है, क्योंकि ये बार बार खुद को रिचार्ज नहीं करती और रिफ्रेश नहीं करती। ये यूज़ होती है कैश मेमोरी बनाने के लिए। कैश मेमोरी, अब आप सोचेंगे कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी जो है वो कहाँ यूज़ होगा? कैश जो है वो विद इन द जो सीपीयू है वहाँ यूज़ होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है वो क्योंकि जो काम बार बार परफॉर्म हो रहे हैं
सीपीयू के अंदर, तो वो सीपीयू के अंदर कॉपी उसकी स्टोर होती रहती है ताकि मतलब कि जो फ्रिक्वेंटली टास्क जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं तो कैश मेमोरी उसमें कैश मेमोरी में वो स्टोर हो जाते हैं, ताकि बार बार जो सीपीयू है उसको जाना ना पड़े, वो कैश मेमोरी से ही उसको लोड करता है और टास्क परफॉर्म कर देता है। तो ये कैश मेमोरी बनाने के लिए यूज़ होती है, क्योंकि इसको ज़्यादा बहुत जल्दी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब खुद को ये बहुत जल्दी चार्ज नहीं करती और फास्टर होती है, क्योंकि सीपीयू को जो भी चाहिए, जो भी मेमोरी या इंस्ट्रक्शन जो उसने स्टोर की हुई है वो चाहिए, तो वो बहुत जल्दी चाहिए होती हैं उसके उसको एक्सेस जो उसका जो एक्सेस टाइम है वो जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब एक्सेस टाइम उसका ज़्यादा ना लगे, इसलिए जो मेमोरीज हैं वो फास्टर और जो ऐसी बनाई जाती हैं कि जल्दी से उससे डाटा एक्सेस कर लिया जाए, ऐसा नहीं कि वो जैसे ही उसको डाटा एक्सेस करने लगे तो वो स्लो डाउन हो जाए। तीसरी टाइप हमारे पास आती है एमरैम। एमरैम जो है, क्योंकि पहले जो है हम इलेक्ट्रिकली चार्ज जो है वो यूज़ कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज चार्ज से चलने वाली रैम वो यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो एमरैम है, एमरैम इज मैग्नेटिक रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो मैग्नेटिक चार्जेस को यूज़ करती है इलेक्ट्रिक चार्जेस की बजाय, इलेक्ट्रिक चार्जेस को यूज़ नहीं करती, मैग्नेटिक चार्जेस को यूज़ करती है। ये ज़्यादातर उन डिवाइसेस के लिए अच्छी है जो पोर्टेबल हैं। पोर्टेबल डिवाइसेस में हमारा लैपटॉप आ जाता है, क्योंकि हम उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, उसके अलावा हमारा मोबाइल आता है, कैमरा आता है, मिलिट्री सिस्टम जो हैं उनमें एमरैम यूज़ होती है, क्योंकि एमरैम का फ़ायदा ये है कि ऐसा नहीं है कि जैसे इसके अंदर से पावर जो है वो लॉस हुई, मतलब इसको चार्ज मिलना ख़त्म हुआ तो ये जो अपना यार डाटा है वो इरेज कर देती है, नहीं, इसमें ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के लिए भी डाटा स्टोर किया जा सकता है, इफ़ आपका सिस्टम जो है वो क्रैश हो गया है या अपने आप, मतलब क्योंकि क्योंकि ये मिलिट्री सिस्टम्स में भी यूज़ होती है, तो इसलिए इसको ऐसा बनाया गया है कि अपना ये चार जो डाटा है वो मैक्सिमम टाइम तक रख सके। हाँ, जब तक जब इसका मैक्सिमम टाइम आ जाएगा कि अब इस टाइम के बाद ये इसके अंदर कोई चार्ज नहीं बचेगा या इस टाइम के बाद इसमें डाटा इरेज हो जाना है, तो उसके बाद ये डाटा खुद ब खुद इरेज कर देगी, इसके अंदर से डाटा इरेज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब तक इसका टाइम होगा उस टाइम तक ये डाटा इरेज नहीं करती। ये फास्टर होती है क्योंकि इसका एक्सेस टाइम जो है वो ज़्यादा होता है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि मेमोरी मॉड्यूल्स, जो अब हमने हमारी जो रैम है वो क्या है, चिप की शक्ल में, तो चिप जो है वो सीधा मदर की बोर्ड के ऊपर नहीं लगी होती, वो एक सर्किट स्मॉल सर्किट बोर्ड के ऊपर लगी होती है जिसको हम मदर बोर्ड के अंदर फिक्स करते हैं। तो मेमोरी मॉड्यूल जो है वो सिंगल लाइन इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल भी हो सकता है और वो डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल भी हो सकता है। जो हमारा सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल है वो 72 पिन्स पर मुश्तमिल होता है या कंसिस्ट करता है, लेकिन उसकी सिर्फ वो सिर्फ थर्ट लेकिन क्या है कि वो सिर्फ 32 बिट डाटा को सपोर्ट करता है, मतलब कि 32 बिट डाटा एक टाइम में लेके जा सकता है, तो इसलिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है इन सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो आजकल जो हम यूज़ करते हैं वो 32 बिट यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जो आप अक्सर लोग कहते हैं कि तुम्हारा सिस्टम जो है वो 32 बिट है या 64 बिट है, तो उसके मुताबिक ये इन्हीं मेमोरी के मुताबिक होता है कि वो एक वक्त में जो डाटा है वो कितना लेके जा सकता है, 64 बिट लेके जा सकता है या 32 बिट लेके जा सकता है। तो जो हमारा डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है उसमें क्या होता है कि ये 64 बिट डाटा ट्रांसफ़र प्रोवाइड करता है। ये जो फर्स्ट पिक है ये हमारी ये सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल की पिक्चर है, और ये जो दूसरी है जो हम आजकल यूज़ करते हैं ये डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल की पिक्चर है, जो कि 64 बिट डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होती है, और इसमें 168 पिन्स होती हैं और ऑलमोस्ट 144 172 184 और मैक्सिमम 240 पिन्स तक ये जा सकती हैं। इसके बाद अब सीपीयू जो है वो रैम से डाटा कैसे लेता है,
आपने मतलब जो पिछले लेक्चर्स है उसमें पढ़ा कि सीपीयू है वो रैम से डाटा एक्सेस करता है, रजिस्टर्स जो है उसमें एड्रेसेस होते हैं जहाँ से वो एड्रेसेस को रीड करता है और उसके बाद वो रैम से जो है वो डाटा एक्सेस कर लेता है, लेकिन कैसे एक्सेस करता है उसके लिए कुछ मीडियम भी होगा। सीपीयू और रैम जो है वो बहुत मदरबोर्ड पे लगे होते हैं, लेकिन क्या है कि हम एक बस सिस्टम है, बस सिस्टम के जरिए सीपीयू रैम से डाटा जो है वो एक्सेस करता है। अब बस सिस्टम क्या है कि बस क्या है, बस इज एन इलेक्ट्रिकल पाथ टू ट्रांसफर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, मतलब कि एक इलेक्ट्रिकल लाइन होती है जो इलेक्ट्रिकल से एक लाइन लगी होती है, लाइन सी मदरबोर्ड के ऊपर लगी होगी जो इलेक्ट्रिकल जिसको इलेक्ट्रिकल पाथ कहते हैं, जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस को लेके जाने और लेके आने के लिए यूज़ होती है। तो सीपीयू क्या करता है, जो बसेस हैं वो कितनी किस्म की होती हैं उसके, ये पूरा एक टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सीपीयू जो है वो डाटा बस के जरिए, कंट्रोल बस के जरिए और एड्रेस बस के जरिए डाटा को रीड करता है और राइट करता है। राइट मतलब कि दोबारा उसकी तरफ भेजता है कि इस रैम की तरफ भेजता है, रैम और एड्रेस भी बताता है कि इस जगह इस बाइट में जाके इसको स्टोर कर दिया जाए। तो सीपीयू क्या करता है, रीड और राइट की रिक्वेस्ट कंट्रोल बस को देता है, कंट्रोल बस जो आती है रैम के पास, वहाँ पे अगर रीड करना हो तो मतलब कि डाटा रीड करने के लिए हो तो सीपीयू जो है वो डाटा एड्रेस जो है वो एड्रेस बस के ऊपर पुट करके सेंड करता है। अगर डाटा रीड करना है या डाटा राइट करना है तब भी वो एड्रेस बस के ऊपर एड्रेस जो है वो सेंड करता है। इसके अलावा जो सीपीयू है वो डाटा बस के ऊपर, अगर तो डाटा रीड करना है रिक्वेस्ट सेंड करता है, और मेमोरी मेन मेमोरी जो है वो डाटा बस के ऊपर डाटा को लोड करती है और सेंड कर देती है सीपीयू की तरफ। अगर सीपीयू ने डाटा राइट करना है मेमोरी के अंदर तो वो डाटा बस के ऊपर डाटा को डाटा पुट करता है और भेज देता है मेन मेमोरी की तरफ। इस तरह सीपीयू और रैम के दरमियान इंट्रैक्शन होता है। उसके बाद हम सेकंड टाइप को डिस्कस करते हैं। अपनी सेकंड टाइप जो है हमारी रोम है। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कभी इरेज नहीं होती। इरेज का मतलब ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसके अंदर से उसको इरेज ही नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि जब उसके अंदर और जब उसको करंट प्रोवाइड ना किया जाए तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं या जितने भी डाटा उसके अंदर कोड है स्टोर किया हुआ है तो वो ख़त्म हो जाए। रैम का यही फायदा है कि रैम के अंदर से चीज़ें जो हैं वो इरेज नहीं होती, जब कंप्यूटर ऑफ भी हो। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर से बिल्कुल इरेज ही नहीं किया जा सकता। हाँ, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हुए, जैसे कि अल्ट्रावायलेट लाइट्स को यूज़ करते हुए डाटा को इरेज भी किया जा सकता है और उसके अंदर न्यू डाटा जो है वो पुट भी किया जा सकता है। तो इंस्ट्रक्शंस इन रोम प्रिपेयर कंप्यूटर फॉर यूज़। इसके अंदर फर्मवेयर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। फर्मवेयर का मतलब ये कि जो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है उस की तरफ से ही एम्बेडेड इंस्ट्रक्शंस इसमें होती हैं जो बताती हैं कि कंप्यूटर को प्रिपेयर करती हैं कि उस यूज़ के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल है वो रैम ही बताती है। रैम क्या करती है, जैसे ही स्विच ऑन होता है तो इंस्ट्रक्शन जो रोम के अंदर होती हैं वो ऑटोमेटिकली रैम के अंदर लोड हो जाती हैं। रैम के अंदर लोड होने के बाद ये जो यहाँ पे रोम लिखा है ये रैम है, रैम के अंदर लोड करती है, जिससे क्या होता है कि उसको पता चलता है कि अब कंप्यूटर जो है वो ऑन हो गया, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइंड करना है और चलना है। इंफॉर्मेशन इन रोम इज स्टोर्ड बाय मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर मतलब कि जो कंप्यूटर को जो उसको बनाने वाले हैं वही उसके अंदर इंफॉर्मेशन पहले से स्टोर रखते हैं। और इसके अलावा रोम के अंदर स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसको रोम बायोस कहते हैं। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है वो बताता है वही उसी के अंदर वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो बताता है कि हाउ टू इंटरेक्ट विद द अदर कंपोनेंट्स, के दूसरे कंपोनेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, मतलब कि हार्ड ड्राइव को कैसे एक्सेस करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे फाइंड करना है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में तो है लेकिन कौन सी उसमें लॉजिकली पार्टीशंस होती हैं, मतलब सी डी और ई ड्राइव बनी होती है। अब वो सी ड्राइव को एक्सेस करेगा, उसमें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी फाइल को लोड करना है, तो वो सबसे वो वही जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है और उसके बाद क्या जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी किस में स्टोर होती है, रोम के अंदर स्टोर होती है। मतलब ये कि रोम जो है
उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको रोम बायोस कहा जाता है। ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को बताती हैं कि उसने हार्ड डिस्क को कैसे एक्सेस करना है, मतलब अगर एक्सेस करना है तो लॉजिकली कौन से पार्ट में जाना है, मतलब सी ड्राइव में जाना है, वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड करना है और उसको रैम में लोड कर देना है। जब रैम में लोड हो जाएगा तो वो खुद चलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपने कंप्यूटर जो है वो ऑन किया हो या लैपटॉप ऑन किया हो, तो वहाँ पे लिखा होता है बूट ऑप्शन। बूट ऑप्शन अगर F9 दबाएं, फॉर एग्जांपल अगर आप HP का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या अगर आप डेल का यूज़ करें तो F10 या F11, इन बटन से जो है वो बूट मेन्यू में आप चले जाएंगे और उसके बाद वो बूट जो है वो बूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। बूटिंग का मतलब ये कि जो उसके अंदर न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो इंस्टॉल होगा वरना आप एग्जिट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जिस तरह रैम की टाइप्स थी, रोम की भी हमारे पास 3 टाइप्स हैं, पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम। पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये कि इसको प्रोग्राम किया जा सकता है लेकिन सिर्फ एक दफ़ा। अगर तो हमने इसको सही प्रोग्राम कर लिया तो ठीक, वरना अगर हमने इसको गलत प्रोग्राम कर लिया तो इसमें एरर आ जाता है और इसको री राइट नहीं किया जा सकता। इस ये जो पी रोम है ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स में यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसके अंदर पी रोम जो है वो यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा जो हमारे एयर कंडीशन है उसके अंदर पी रोम यूज़ हो सकती है, क्योंकि वो सिर्फ एक दफ़ा प्रोग्राम किए जाते हैं कि आपने जो है वो चिल कर मतलब कि जो हवास आपने मतलब फॉर एग्जांपल अगर एयर कंडीशन है तो उसमें सेटिंग की जाती है कि सेटिंग की जाती है कि अगर टेम्परेचर जो है वो कम किया जाए तो ज़्यादा जो है वो कूल होना चाहिए रूम को, तो कूल हवा जो है वो भेजे, ब्लो करे। इसी तरह जो वॉशिंग मशीन्स हैं अगर उनमें ज़रा से भी खराबी आ जाती है उसके सिस्टम के अंदर तो पूरा सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको हम दोबारा सेट कर सकें। तो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम जो है वो यूज़ की जाती है। उसको सिर्फ एक ही दफ़ा प्रोग्राम किया जा सकता है। जब हम उसको प्रोग्राम कर देते हैं तो वो यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रोग्राम करते हुए उसमें कोई एरर आ जाए, उसमें कोई इंफॉर्मेशन पुट करते हुए जब हम उसको बना रहे होते हैं रैम को, ये नहीं कि जो यूज़र्स होते हैं वो उसको उसके अंदर जो है वो राइट करता है, ऐसा नहीं है। जब उसके अंदर कोई जब उसको मैन्युफैक्चरर बना रहा होता है, क्योंकि रोम जो है वो उसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन जो उसके अंदर होती है वो स्टोर करता है मैन्युफैक्चरर। तो अगर उसके अंदर वो ख़राबी आ जाती है तो उसको चेंज करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि उसको हम रीप्रोग्राम कर सकें। हाँ, अगर हमारे पास ई पी रोम है, ई पी रोम का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो उसको एक से ज़्यादा मरतबा जो है वो प्रोग्राम किया जा सकता है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो राइट की जा सकती हैं और उसके डाटा को अल्ट्रावायलेट लाइट के ज़रिए भी इरेज किया जा सकता है। इसी तरह हमारे पास ई पी रोम जो है उसकी हमारी तो थर्ड टाइप है, ये ई पी रोम स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि इसको इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम कहा जाता है। जिसमें क्या किया जा सकता है कि हम डाटा को जो मतलब कि बायोस होता है हमारा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो आपने अभी ऊपर जो जिसको मैंने डिस्कस किया वो इसी के अंदर स्टोर होता है। और मतलब जो हमारा बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर है वो इसी के अंदर स्टोर होता है। इसी को स्टोर करने के लिए बायोस को स्टोर करने के लिए ई ई पी रोम जो है वो यूज़ की जाती है, और ये फ्लैश मेमोरी से सिमिलर होती है। फ्लैश मेमोरी जो है हम उसको आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। सो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड हुआ, और एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू।